हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलियन जोन्स के बारे में कि बिलियन जोन्स क्या होते हैं और उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर हम ध्यान से देखें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की शुरुआत में जब आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करा होगा, तब आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा, विग्नर शीट सेल का। कौन सा टॉपिक पढ़ा होगा? विग्नर शीट सेल्स का। ठीक है, विग्नर शीट सेल, ये एक छोटा सा टॉपिक आपने पढ़ा होगा जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स की शुरुआत कर रहे होंगे पढ़ना। तो इस टॉपिक में क्या था? ठीक, तो अभी मैं आपको 2 मिनट में आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूंगा इस टॉपिक की क्या है, कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो है क्या। मान लीजिए हमारे पास क्या है कि कोई लैटिस है, हमारे पास क्या है, कोई लैटिस है। लैटिस आप जानते ही होंगे भाई, लैटिस तो आप जानते होंगे, एटम्स का या फिर पॉइंट्स का अरेंजमेंट जहाँ पर हर एक पॉइंट सेम सराउंडिंग में हो। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई लैटिस है और ये डायरेक्ट लैटिस है। ये क्या है? डायरेक्ट लैटिस है, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये डायरेक्ट लैटिस है। डायरेक्ट लैटिस क्या होता है? जो क्रिस्टल के अंदर एक्चुअल अरेंजमेंट है पॉइंट्स का या लैटिस का, तो ये डायरेक्ट लैटिस है। ठीक, तो ये डायरेक्ट लैटिस हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या काम करना है? इस डायरेक्ट लैटिस की एक यूनिट सेल होगी जो जुड़ जुड़ के पूरा स्ट्रक्चर दे रही होगी, जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है? अच्छा, तो वो मुझे इसकी ड्रॉ करनी है कि वो ड्रॉ मतलब वो कैसी होगी। तो एक मेथड आया गया विग्नर शीट्स सेल का। तो विग्नर शीट सेल एक मेथड है जिसमें हम किसी भी लैटिस की प्रिमिटिव यूनिट सेल को ड्रॉ कर सकते हैं। वो मेथड क्या था? वो मेथड ये था कि हम किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं। हमने किसी भी पॉइंट को ले लिया, लेट्स से मैंने इस पॉइंट को ले लिया, और इस पॉइंट से सारे पॉइंट्स को जो नियरेस्ट नेबर हैं उन सबको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ऐसे करके इमेजिनरी लाइन से हमने इनको क्या कर दिया, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इन सारी लाइंस का एक परपेंडिकुलर डाला, इसका परपेंडिकुलर ऐसे गया, इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऐसे, इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऐसे, इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऐसे, इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऐसे और इसका ऐसे। तब जो यहाँ पर हमें शेप देखने को मिलेगी, ये वाली जो शेप हमें देखने को मिलेगी, इसको हम कहते हैं इस लैटिस की प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर? बोलो, बात क्लियर हुई? तो विग्नर शील्ड सेल हमें क्या समझ में आया 2 मिनट में, विग्नर शील्ड सेल हमें 2 मिनट में ये समझ में आया कि ये एक मेथड था जिससे हम किसी भी डायरेक्ट लैटिस की प्रिमिटिव यूनिट सेल को ड्रॉ कर सकते थे। और ड्रॉ कैसे करते थे कि कोई एक पॉइंट ले लिया, उससे सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करा, कनेक्ट करने के बाद उन सारी लाइन्स के बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, वो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करेंगे और एक क्लोज्ड फिगर हमें देखने को मिलेगी। वो जो क्लोज्ड फिगर आएगी वो इस लैटिस की, गिवन लैटिस की क्या होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल। बोलो, बात क्लियर है? बात क्लियर है? अच्छा, यहां तक समझ में आता है। ठीक, अब तक हम डायरेक्ट लैटिस पढ़ते आ रहे थे, लेकिन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक ट्विस्ट आया है और हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल लैटिस। हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई? रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ा था, और हमने आपको बताया भी था रेसिप्रोकल लैटिस वाली वीडियो में कि भाई सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इतने कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल्स होते हैं कि हम डायरेक्ट लैटिस हम नहीं पढ़ सकते, हम मदद लेते हैं रेसिप्रोकल लैटिस की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? आसान भाषा में ये समझो कि हम ज़्यादातर जो भी क्रिस्टल पढ़ते हैं तो वो रेसिप्रोकल लैटिस के रूप में पढ़ते हैं, डायरेक्ट लैटिस नहीं पढ़ते, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इस वजह से। अच्छा जी, ये बात क्लियर हुई। सवाल ये आता है कि अब ध्यान सुनना, डायरेक्ट लैटिस का अगर मैं आपको अरेंजमेंट दूं, आपके पास मैं एक डायरेक्ट लैटिस रखूं, लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट, और फिर आपसे कहूं कि इसकी प्रिमिटिव यूनिट सेल ड्रॉ करो, इसकी यूनिट सेल ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे? तो आपके पास मेथड है विग्नर शीट सेल का, आपके पास मेथड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक रेसिप्रोकल लैटिस है, और रेसिप्रोकल लैटिस है बेसिकली वो भी पॉइंट्स का अरेंजमेंट होगा, और फिर मैं आपसे कहूं कि इसकी प्रिमिटिव यूनिट सेल ड्रॉ करो, फिर आप कैसे करोगे? आपके पास तो कोई मेथड ही नहीं है। विग्नर शीट सेल तो डायरेक्ट लैटिस पे लागू करता है, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए तो कोई दूसरा मेथड आना चाहिए ना। यहाँ तक क्लियर है? तो वो दूसरा ही मेथड, वो जो जोन्स बनते हैं, वो जो प्रिमिटिव, जैसे यहाँ पर ये एरिया बना, ये क्लोज एरिया बना, इसको नाम क्या दे दिया गया, विग्नर शील्ड प्रिमिटिव सेल। ऐसे ही रेसिप्रोकल लैटिस में भी कोई मेथड होगा इनको ड्रॉ करने का, और वहां पर जो जोन बनेगा, वहां पर जो ये क्लोज फिगर बनेगी, उसको हम ब्रिलियन जोन कहते हैं। समझ में आया? फंडा क्लियर हुआ? तो ब्रिलियन जोन बेसिकली क्या है? यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटी सी लाइन लिखी है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है। क्या मीनिंग है? कि ब्रिलियन जोन इज इक्विवेलेंट एज विग्नर शीट सेल।
कहने को ये बहुत ही छोटी सी लाइन है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ब्रिलियन जोन विग्नर शीट सेल की ही तरह है, शर्त ये है कि ब्रिलियन जोन सिर्फ रेसिप्रोकल लैटिस पे आप ड्रॉ करते हो, विग्नर शीट सेल आप डायरेक्ट लैटिस पे ड्रॉ करते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट समझना है कि विग्नर शीट सेल फॉर डायरेक्ट लैटिस, ब्रिलियन जोन फॉर रेसिप्रोकल लैटिस, फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। क्लियर? रेसिप्रोकल लैटिस भी बेसिकली लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट है, उसकी भी कोई प्रिमिटिव या यूनिट सेल होगी जो जुड़ जुड़ के पूरा स्ट्रक्चर दे रही होगी। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? सो अब हमें क्या काम करना है कि यार अब सवाल ये आता है कि विग्नर, अच्छा ब्रिलियन जोन तो हमको समझ में आ गया, ब्रिलियन जोन बेसिकली क्या है, विग्नर शीट सेल की तरह ही है। अब सवाल ये आता है इसको ड्रॉ कैसे करते हैं भाई? विग्नर शीट सेल तो हमें पता है कि हमें ऐसे ड्रॉ करना है, बट ब्रिलियन जोन को हमें कैसे ड्रॉ करना है, तो उसको समझाते हैं। ठीक है, सेकेंड हम इसके अंदर बात करेंगे कि क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर क्या स्टेप्स हम यूज करें ब्रिलियन जोन को ड्रॉ करने के लिए। क्या इसको हटाते हैं भाई साहब? चलिए देखें ध्यान से। तो भैया फंडा क्लियर हुआ, ब्रिलियन जोन समझ में आया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, आगे और क्लियर होगा। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आएंगी तो और क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, तो देखो जरा इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, स्टेप्स ड्रॉ करने के लिए कि ब्रिलियन जोन उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। अभी इस फिगर को मत देखो, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये अलग थोड़ा मतलब अलग चीज के लिए। मान लीजिए यहाँ पर एक ये लैटिस है, मान लीजिए क्या है, एक लैटिस है ऐसे करके, एक और बना देते हैं। मान लीजिए ये लैटिस है और ये लैटिस कौन सा है, ये रेसिप्रोकल लैटिस है, ये रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस का मतलब ये कि हर एक पॉइंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेसिप्रोकल लैटिस है और सारे ये पॉइंट्स हो गए, ये हमारे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हो गए। समझना है? अब हमें क्या काम करना है, हमको ब्रिलियन जोन ड्रॉ करना है। हमका क्या करना है भैया, हमको ब्रिलियन जोन ड्रॉ करना है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि कोई भी एक लैटिस पॉइंट ले लो, कोई भी क्या ले लो, एक लैटिस पॉइंट ले लो। लेट्स से मैंने ये वाला लैटिस पॉइंट ले लिया। ठीक है, मैंने ये वाला लैटिस पॉइंट ले लिया। सो टेक एनी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट, कोई भी हमने एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट ले लिया और उससे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उससे हमने नियरेस्ट नेबर को, मतलब कि उसके भाई नेबर है इसके, इसके देखो एक ये नेबर है, ये नेबर है, ये नेबर है, ये भी नेबर है, ये भी नेबर है। तो हमने क्या काम करा, हमने इससे नेबर्स को कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके नियरेस्ट नेबर को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है भाई? ये नियरेस्ट नेबर ये हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ये हो गए, सेकंड नियरेस्ट नेबर ये हो जाएंगे, थर्ड नियरेस्ट नेबर ये हो जाएंगे। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं करना, अभी दिमाग में लगाओ। ये भी आपके डाउट होता होगा ना कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन क्या होते हैं। सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, अभी बस मेरी बात सुनते रहो। मैंने क्या काम करा, इस एक रेसिप्रोकल लैटिस को ले लिया और उसके अगल बगल वालों को मैंने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब ठीक, तो मैं लिख देता हूं उसको, टेक एनी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट एंड जॉइन नियरेस्ट नेबर जॉइन विद नियरेस्ट नेबर लैटिस पॉइंट्स, नियरेस्ट नेबर लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको ये लाइंस जो मिली इनका परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर यहाँ से आएगा ऐसे करके, इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर आएगा ऐसे करके, इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर आएगा ऐसे करके, और इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर आएगा ऐसे करके। क्लियर, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा और मज़ा मतलब फील आएगा आपको। तो ये हमने हटा दिया ऐसे करके। ठीक है, तो सेकेंड हम पार्ट क्या काम करेंगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बायसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स ऑफ ईच लाइन। वो जो लाइन आई थी उनका हर एक का हमने क्या करा, परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करा। एंड दीज बायसेक्टर्स कट ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे भाई, काटेंगे, कट ईच अदर एंड फॉर्म
अ क्लोज फिगर एंड फॉर्म अ क्लोज फिगर, और एक क्लोज फिगर को बनाएंगे, एक क्लोज फिगर को बनाएंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, इसी क्लोज फिगर को, यहाँ सुनना, इसी क्लोज फिगर को हम ब्रिलियन जोन कहते हैं, इसी क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ब्रिलियन जोन कहते हैं। तो ये आपका ब्रिलियन जोन निकल कर आ गया, ये आपका ब्रिलियन जोन है, क्लियर। द क्लोज फिगर इज कॉल्ड ब्रिलियन जोन, क्लियर। तो अभी हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ब्रिलियन जोन को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। एक रेसिप्रोकल लैटिस है, लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट है, हमने कोई एक लैटिस पॉइंट ले लिया, उससे नियरेस्ट नेबर को हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाला नियरेस्ट नेबर, ये वाला नियरेस्ट नेबर, ये वाला नियरेस्ट नेबर, ये वाला नियरेस्ट नेबर, लाइंस चार लाइंस ड्रॉ हो गई। उन चारों लाइंस का हमने परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करा, वो चारों परपेंडिकुलर बायसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे होंगे और एक क्लोज फिगर बना रहे होंगे। उस क्लोज फिगर को, उस क्लोज रीजन को ही मेरे बनना, मेरे भाइयों और बहनों भी, ब्रिलियन जोन कहेंगे। आया कि नहीं आया? अरे भैया आया, अरे आया, आया कि नहीं आया? आया, क्लियर है, ब्रिलियन जोन समझ में आया। तो ड्रॉ कैसे करते हैं, क्लियर हुआ भाई? विग्नर शील सेल भी तो ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, ब्रिलियन जोन को भी ऐसे ड्रॉ करना है। आया, क्लियर है? तो ये आपका ब्रिलियन जोन हुआ। अब थोड़े कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, ठीक है, ध्यान सुनो। आपने बुक में तो पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, है ना, बुक में आपने पढ़ा होगा ब्रिलियन जोन, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन, और बड़े भयंकर से एक एक डायग्राम भी बना रखा होगा ब्रिलियन जोन का। अब ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन क्या है, क्या है? सुनो, मस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल इतना मस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। कहोगे कि यार आरके ने पढ़ाया, आरके फिजिक्स वाला पढ़ाता है। आ जाओ इधर, सुनो ध्यान से, दिमाग लगाना। ये एक पॉइंट है, हमने ये एक पॉइंट लिया, इसके सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा, सबसे पास कौन सा वाला है? ये वाले सेकंड। दूसरे नंबर के नियरेस्ट नेबर कौन से हैं? ये वाले भाई, ये फर्स्ट 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 नियरेस्ट नेबर, ये सेकंड 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 नियरेस्ट नेबर, सुनते रहना ध्यान से। थर्ड नियरेस्ट नेबर इसका कौन सा? ये वाले थर्ड नियरेस्ट नेबर, थर्ड यहां पर, थर्ड यहां पर, एक यहां पर आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? अब सुनो ध्यान से, अगर आप, सुनना दिमाग लगाना, अगर आप फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को, अगर आप एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगर आप फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को ज्वाइन करते हो और उसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर करते हो, तब जो आपको रीजन मिलेगा वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा। सुनो ध्यान से, अगर आप सेकेंड, सुनना, अगर आप सेकेंड नियरेस्ट नेबर लेते हो, मतलब हमने ये सेकेंड नियरेस्ट नेबर ऐसे ले लिया, ठीक है, एक लाइन ली, उसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर करा, तब भी एक क्लोज रीजन आएगा, वो सेकेंड ब्रिलियन जोन होगा। अगर आप थर्ड लाइन को, थर्ड नियरेस्ट नेबर को ज्वाइन करते हो और उसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करते हो, तब आपको थर्ड ब्रिलियन जोन मिलेगा। मतलब कि मेरे भाई, फर्स्ट ब्रिलियन जोन कब मिलेगा? जब आप फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को देखोगे, बस उनको ज्वाइन करोगे और उनके परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स करोगे और वो कट करेंगे, तब आपको मिलेगा फर्स्ट ब्रिलियन जोन। सेकेंड ब्रिलियन जोन कब मिलेगा? जब आप सेकेंड नियरेस्ट नेबर देखोगे, जब आप सेकेंड नियरेस्ट नेबर देखोगे एक रेसिप्रोकल लैटिस का, उनके परपेंडिकुलर बायसेक्टर करोगे, वो सब कट करेंगे और एक क्लोज रीजन आएगा, उसको हम कहेंगे सेकेंड ब्रिलियन जोन। थर्ड ब्रिलियन जोन कब आएगा? जब आप थर्ड नियरेस्ट नेबर देखोगे, और ऐसे ही आप चलते चले जाओगे, ऐसे आप क्या करते चले जाओगे, चलते चले जाओगे। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ध्यान से समझना इसको, स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे कि इसको हटा दें, अच्छा इसके स्टेप्स जो थे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कि व्हेन वी कनेक्ट फर्स्ट नियरेस्ट नेबर वी गेट फर्स्ट ब्रिलियन जोन, वी गेट फर्स्ट ब्रिलियन जोन। अगर हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को, जो सबसे पहले, जो सबसे पास होंगे भैया, आप रेसिप्रोकल लैटिस में हो, सबसे पास वालों को अगर आप कनेक्ट करके फिर उनके परपेंडिकुलर बायसेक्टर डालते हो, तब जो रीजन मिलेगा वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा। उसके बाद थोड़े से दूर वाले, मतलब सेकंड नियरेस्ट नेबर, फिर थोड़ा और दूर वाले थर्ड नियरेस्ट नेबर, फिर और दूर वाले फोर्थ नियरेस्ट नेबर, ऐसे करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, ब्रिलियन जोन बनते चले जाएंगे। मैथमेटिकली समझाऊंगा, अभी प्रैक्टिकली ऐसे समझो, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया?
तो भैया व्हेन वी करेक्ट फर्स्ट नियरेस्ट नेबर वी गेट फर्स्ट ब्रिलियन रूल। उसी तरीके से व्हेन वी करेक्ट सेकंड नियरेस्ट नेबर वी गेट सेकंड ब्रिलियन रूल, ओके एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि ब्रिलियन जोन भाई साहब नंबर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रिलियन जोन डिपेंड कर रहे हैं कि आप कौन सा नियरेस्ट नेबर देख रहे हो। अब यहाँ पर इससे ध्यान देना, मैं तीनों को एक साथ ड्रॉ करूँगा, तीनों को एक साथ ड्रॉ करूँगा, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा मैं मार्कर उठा लूँ। अब सुनना, ध्यान समझना मेरी बात को। देखो ये एक रेसिप्रोकल लैटिस है, ये क्या है, एक रेसिप्रोकल लैटिस है, और मैं कोई भी एक बीच में एक पॉइंट ले लेता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ऐसे करके, तो तीन ठीक, ये एक मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, इसका फर्स्ट ब्रिलियन जोन करना है। फर्स्ट ब्रिलियन जोन ड्रॉ कैसे करेंगे, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इसका कौन सा, ये वाला भाई, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर तो यही है ना मेरे भाई, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ये वाले हो गए। चार लाइंस ड्रॉ कर दी और इन चार लाइंस के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, एक ऐसे ड्रॉ कर दिया भाई। एक पॉइंट के लिए थोड़े ना ड्रॉ करोगे, सारे पॉइंट्स के लिए ब्रिलियन जोन आते हैं, लेकिन हम तो अलग बात है सिर्फ एक पॉइंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सुनो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे, क्लियर है यहाँ तक समझ में। देखो ध्यान से, ये रेसिप्रोकल लैटिस था, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ये वाले हैं। देखो छोटी डिस्टेंस पे होंगे ना ये, ए ए ए ए लाइंस ड्रॉ करी, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए ऐसे करके, क्लियर है यहां तक समझ में आया। अच्छा इसको हटा देता हूं मैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ही रहेगा, ठीक है, वैसे तो मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन निकल कर आया, ये वाला हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन निकल कर आया, ये वाला फर्स्ट ब्रिलियन जोन। अच्छा सेकंड कैसे देखेंगे, इस पॉइंट का सेकंड नियरेस्ट नेबर बताओ कौन सा, ये वाला, ये वाले, भाई यही तो होंगे। देखो ना ध्यान से, सेकंड सबसे दूसरे नंबर पे सबसे पास यही है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे करके, ये कैसे हो गया। देखो ये है ना, ये हमारी लाइन होगी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे, देखो ये एक लाइन होगी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके, ये कैसे हो गया, समझ में आया। ध्यान से देखो, ऐसे है ना ये, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, ऐसे ही ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा है, ऐसे करके, ऐसे ये वाला देखो, ये वाला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आएगा, थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे करके, ये समझ में आया। तो सेकंड ब्रिलियन जोन दिख रहा है क्या, सेकंड ब्रिलियन जोन दिख रहा है क्या, देखो सेकंड ब्रिलियन जोन हो गया ये वाला, ये हो गया सेकंड ब्रिलियन, ये क्या हो गया सेकंड ब्रिलियन जोन। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन और उसके बाद ये वाला, ये जो पोर्शन है ये हो गया हमारा सेकंड ब्रिलियन जोन। ध्यान से समझना, सेकंड ब्रिलियन जोन भी एक स्क्वायर ही बनना है, देखो ये रेक्टेंगल बनना है ऐसे करके, जिसके अंदर ये वाला हिस्सा फर्स्ट हो गया और जो बचा कुचा हुआ वो सेकंड हो गया। अगर इसको ऐसे देखेंगे ना, देखो ध्यान समझना, इसको ध्यान समझना, रुको रुको रुको, अरे ये देखो, ये देखो, ये सेकंड ब्रिलियन जोन भी एक स्क्वायर ही बन रहा है या रेक्टेंगल ही बनना है, उसके अंदर फर्स्ट धसा हुआ है और जो बाकी बचा कुचा हुआ वो जो रेड कलर से मैंने लिखा है वो सेकंड कहलाया जाएगा, जो रेड कलर से मार्क हुआ है वो सेकंड है, उसके अंदर फर्स्ट धसा हुआ है तो उसको फर्स्ट ही कहेंगे, यहां तक समझ में आया। थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एक सेकंड, अगर हमें थर्ड ब्रिलियन जोन करना है तो थर्ड नियरेस्ट नेबर को ज्वाइन करो, इसके पास तीसरे नंबर का नियरेस्ट नेबर कौन सा है बताओ जरा, तीसरे नंबर का नियरेस्ट नेबर कौन सा है, ये वाला, ये वाला तो होगा, देखो ध्यान से, ये वाला,
यही तो होंगे। देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से आएगा ऐसे करके, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आएगा, और इसका परपेंडिकुलर सॉरी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा ये ऐसे करके। क्लियर है? कंफ्यूज ना होना भैया, कंफ्यूजन ना आ जाए। थर्ड बिलियन जोन देखें जरा कहाँ है। देखो थर्ड बिलियन जोन ये रहा, ये हमारा थर्ड बिलियन जोन, समझ में आया? क्लियर? एक बार ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल ध्यान से समझो। हमने कुछ नहीं करा भाई मेरे, हमने एक पॉइंट ले लिया, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को जोड़ा, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, एक छोटा सा रीजन मिला फर्स्ट बिलियन जोन। उसके बाद हमने क्या काम करा, सेकेंड नियरेस्ट नेबर को जोड़ा, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, एक रीजन मिला सेकेंड बिलियन जोन। ऐसे ही हम आगे करते चले जाएंगे, ये थर्ड बिलियन जोन, आगे फोर्थ बिलियन जोन, फिफ्थ बिलियन जोन एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है? सो फर्स्ट हो गया ये वाला, सेकेंड ये वाला, थर्ड ये जो ब्लू कलर के ही, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक बार, यहाँ से एक बार यहाँ लिख भी देते हैं, ये जो ब्लैक कलर का है ये हो गया आपका फर्स्ट बिलियन जोन, ये जो आपका रेड कलर का है ये हो गया सेकेंड बिलियन जोन, और ये हो गया आपका ब्लू कलर का थर्ड बिलियन जोन, ये हो गया हमारा थर्ड बिलियन जोन। यहां तक समझ में आया? सो बिलियन जोन ड्रॉ करने हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं? क्लियर है ये वाले? समझ में आया? फंडा क्लियर है? अच्छा, अब सवाल ये है, ध्यान सुनो 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 ध्यान सुनो, तो ब्रिलियन जोन होते क्या है ये हमको पता चल गया, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमको पता चल गया। अब सवाल ये है कि यार ब्रिलियन जोन का कोई मैथमेटिकल अप्रोच है क्या, मैथमेटिकली इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मैथमेटिकली इनको ड्रॉ कर सकते हैं? तो हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें और यूज करना पड़ेगा, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन का, जिसको हम कहते हैं ब्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, सो आपको अगर पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं भाई, समझ में आ जाएगा। नहीं पता तो यार अगेन टेंशन लेने की नहीं जरूरत नहीं है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं इवॉल्व कंस्ट्रक्शन बाय आर के फिजिक्स पॉइंट, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर? अब जरा ध्यान समझते हैं कि इसको ब्रिलियन जोन्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, उसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ और, अगर आप ध्यान से देखें ये जो हमारा ब्रिलियन जोन है, ये जो हमारा ब्रिलियन जोन है, मैं इस छोटे वाले को बाहर निकाल रहा हूँ, ये वाला, ये हमारा जो ब्रिलियन जोन है ये वाला ऐसे करके फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ये जो ब्रिलियन जोन की एज होती है, ये जो ब्रिलियन जोन की ये जो लेंथ होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? बहुत कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ, हाँ सुनना, ब्रिलियन जोन की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है क्रिस्टल प्लेन्स को, वो रिप्रेजेंट करती है किसको मेरे भाई, क्रिस्टल प्लेन्स को। ये वाला पॉइंट लिखेंगे ध्यान से, जो एज होंगी ईच एज ऑफ ब्रिलियन जोन, इसको हटा दें, रिप्रेजेंट क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल प्लेन्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई, क्रिस्टल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, विच शोज रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। मतलब कि ये जो ब्रैक्स सॉरी ब्रिलियन जोन के ये जो एज होंगे, ये जो एज है, ये जो साइड्स हैं, ये क्रिस्टल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगी, और उन्हीं क्रिस्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी जो ब्रैक्स कंडीशन को ओबे कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, या फिर रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखा रहे होंगे। इस चीज़ को भी ध्यान समझना, यहाँ तक क्लियर है? तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम मैथमेटिकली समझना चाहते हैं कि आप मैथमेटिकली इसको ब्रिलियन जोन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी हम कराते हैं। नोट करें भाई जल्दी से इसको, वीडियो को पॉज करके, एक दो तीन चार, और देखो मैथमेटिकली कैसे करना है इसको।
इसको भी मिटा नहीं रहा, इसका यूज होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, सो अगर हम बात करें फॉर स्क्वायर लैटिस की, सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर लैटिस ले लिया। स्क्वायर लैटिस आसान होता है ना, स्क्वायर लैटिस होता क्या है, एक स्क्वायर लैटिस हमने टू डायमेंशन का ब्रेविस लैटिस ले लिया सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अगर मैं FCC, BCC थ्री डायमेंशन की बात करूँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सुनो ध्यान से, क्या उसके प्रिमिटिव वेक्टर होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे, ai कैप, ए वेक्टर x एक्सिस की तरफ i कैप, उसके बाद b वेक्टर, b j कैप। अच्छा, क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे? जी बिल्कुल होंगे, ए वेक्टर इक्वल टू 1/a आई कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 1/b जे कैप। ठीक है, हमने क्या करा, सुनो ध्यान से, हमने कुछ नहीं करा, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर लैटिस है, तो उसका एक ट्रांसलेशन वेक्टर होता है ए वेक्टर, एक होता है बी वेक्टर, ये होता है डायरेक्ट लैटिस के लिए। लेकिन अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस में आए तब ये ए जो है ये कैपिटल ए बन जाता है और ये स्मॉल बी कैपिटल बी बन जाता है और ये होता है 1/a और 1/b की, रेसिप्रोकल है ना, तो इसका जो डी होगा वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड उल्टा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक समझ में आता है? अच्छा, तो भाई मेरे एक रेसिप्रोकल वैक्टर कितना होगा जरा बताओ मुझे, रेसिप्रोकल वैक्टर हमारा निकल कर आएगा, एक सेकेंड, रेसिप्रोकल वैक्टर निकल कर आएगा अपना r वेक्टर इक्वल टू 2π/a एच आई कैम प्लस के जे कैम। ए यहाँ पर क्या है, a बेसिकली ये बाई स्क्वायर है तो a और b इक्वल हो जाएंगे ना, तो ये a हो गया। h और k क्या है, जो स्क्वायर लैटिस होगा उसके पैरामीटर्स, h और k बेसिकली क्या हो गए, पैरामीटर्स, i कैम और j कैम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नाउ अगर हम बात करें वेव वेक्टर की, अगर हम बात करें वेव वेक्टर की, तो वे वेक्टर होता है के वेक्टर इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। यहाँ तो सही है, वे वेक्टर ऑफ एक्स रे। सो बाय इवॉल्व कंस्ट्रक्शन अगर हम इवॉल्व कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें, या फिर जिसको आप कहते हो ब्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, ब्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, तो क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि डॉट आर वेक्टर टू प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है भाई। इसका मैं डेरिवेशन करवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ ये कैसे आया है, क्या इसकी डेरिवेशन है, वो उस वाली वीडियो पे, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो पे समझा रखा है, टेंशन नहीं लेने का, उसे देखो जाके। ठीक है, तो हमने क्या काम करा भाई, के की वैल्यू यहाँ डाल दी, आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दी, तो जरा डालो, तो ये निकल कर आएगा 4π/a के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप डॉट आर वेक्टर हमारा क्या है, हियर 2π/a बाहर आ गया तो 2 × 4 4π/a, इसको मैं लिख दिया एच आई कैप प्लस के जे कैप, ब्रैकेट ओपन, ठीक सॉरी क्लोज, प्लस आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब कि 4π² / a², ये हो जाएगा h² + k² यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, अच्छा इक्वल टू जीरो, अब थर्ड मान लो, क्लियर, एज इट इज लिख देना भाई, पेपर में नंबर मिलेंगे, ध्यान से टेंशन नहीं लेने का, क्लियर, नोट करें भाई सब इतना, चल हटा दें, सुनो सुनने वालों, सुनो, देखो आ जाओ, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4π/a डॉट प्रोडक्ट है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या बना, ये हमारा बना के एक्स एच प्लस के वाई के प्लस 4π² / a² h² + k² इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, तो ये निकल कर आया 4π/a एच के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू माइनस का 4π² / a² h² + k²
तो ये फोर से फोर गया तेल लेने भाई साहब, ए से ए गया तेल लेने, पाई से पाई भी गया तेल लेने, ठीक है। तो अपने को क्या बना भाई, इसको हटा दें, सो भाई साहब अपने को बना क्या, बना अपने को बना एच के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है फॉर कंस्ट्रक्ट ब्रिलियन जोन, यहां समझना, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर कंस्ट्रक्ट ब्रिलियन जोन, ब्रिलियन जोन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये एक सबसे मस्त इक्वेशन है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार इस इक्वेशन से ब्रिलियन जोन कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे भाई मेरे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा, बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा, होंगे एज इट इज कंस्ट्रक्ट होंगे, देखो कैसे होंगे, सुनो ध्यान से समझना इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सुनो देखो। H और K की वैल्यूज हम अगर माने, लेट्स से H की वैल्यू अगर मैं मान लूँ प्लस माइनस वन और K की वैल्यू मैं मान लूँ जीरो, अगर H और K बेसिकली पैरामीटर्स हैं, तो H और K की वैल्यू, H की वैल्यू मैं मान लूँ प्लस माइनस वन और K की वैल्यू मैं मान लूँ जीरो, याद है सही है, ठीक है। बेसिकली H और K यार प्लेन के वेलर इंडिसेस होते हैं, एच के एल, तो यहाँ तो स्क्वायर लैटिस है, तो एक H और एक K, एच के, ठीक। तो एक हमने मान लिया प्लस माइनस वन और एक मान लिया जीरो, तो अगर एच वन है तो यहाँ डालना जरा, और के जीरो है तो ये मुझे बनेगा के एक्स की वैल्यू अपने को मिलेगी प्लस माइनस पाई बाय ए, और के वाई इज आर्बिटरी, कुछ भी हो सकता है के वाई, कुछ भी हो सकता है, बट के एक्स की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय ए होगा, सुंदर है ध्यान से। अगर मैं एच के प्लेस में जीरो करूं और के प्लेस में प्लस माइनस वन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, के वाई मुझे मिलेगा प्लस माइनस पाई बाय ए, और के एक्स इज आर्बिटरी, यहां तक समझ में आता है। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास चार लाइंस आ रही हैं, देखो अगर मैं के एक्स एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई के एक्स, ये वाई एक्सिस हो गई के वाई, ठीक है, ये के एक्स एक्स एक्सिस हो गई के एक्स, ये वाई एक्सिस हो गई के वाई, हमारे पास चार लाइन है। अगर मैं आपसे बोलूं के एक्स इक्वल टू प्लस पाई बाय ए, ड्रॉ करो के एक्स इक्वल टू प्लस पाई बाय ए, तो आप यहां पर ड्रॉ करोगे ऐसे करके, के एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय ए, तो आप सेम टू सेम यहां पर ड्रॉ करोगे ऐसे करके। उसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ कराने को कहूं तो क्या करोगे, एक ऐसे एक ऐसे। तो भाई मेरे क्या आपको एक ब्रिलियन जोन नहीं बन गया, ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, ये जो बीच में जो आया ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, मतलब ये कि इसकी साइड, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ है, ये जो एज है, ये कितनी होगी पाई बाय ए, ये कितनी होगी पाई बाय ए, ये भी पाई बाय है और ये भी पाई बाय, मतलब कि सुनो ध्यान सुनो कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक स्क्वायर लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस, एक स्क्वायर लैटिस था, उसका आपने रेसिप्रोकल लैटिस बनाया, और उसका फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या होगा, एक स्क्वायर लैटिस ही होगा, बट उसकी एज जो है, मतलब उसकी जो साइड हो जाएगी वो पाई बाय ए होगी, सही है, क्लियर है। ये सीधा फंडा सुनना ध्यान से, यहां तक क्लियर है, स्क्वायर लैटिस का समझ में आया, ये सीधा सीधा फंडा भाई सिंपल क्यूबिक पे भी आप लगा सकते हो, फॉर सिंपल क्यूबिक, देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, जो इक्वेशन है वो बदल जाएगी, एच के एल और आ जाएगा, यहां पर भी एच के एल और आ जाएगा, भाई इक्वेशन क्या बदल जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी एच के एक्स प्लस के वाई प्लस एल के जेड इक्वल टू माइनस पाई बाय ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये किसके लिए हो जाएगी, फॉर थ्री डी, फॉर थ्री डायमेंशन, फॉर थ्री डायमेंशन, फॉर थ्री डायमेंशन क्यूबिक सेल। सुनो सिंपल क्यूबिक में फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या होगा, इसको लिखवाते हैं, इसको नोट करो पहले जल्दी से, फुर्ती से कर लो, एक दो तीन चार, तो इक्वेशन याद रखना, हो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है फॉर कंस्ट्रक्ट ब्रिलियन जोन। तो सुनो ध्यान से, फॉर सिंपल क्यूबिक फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या होगा, फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या होगा, एक क्यूब होगा, अगर इसको यही बनाओ, सुनो 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 सुनो,
यही बनेगा, ये फर्स्ट बिलियन जोन होगा अगर फॉर थ्री डायमेंशन, तो ये क्यूब नहीं होगा, सिंपल क्यूबिक का और एक स्क्वायर लैटिस का जो बिलियन जोन है वो सेम से ही होंगे। फर्क ये है कि ये सिंपल क्यूबिक में वो थ्री डायमेंशन हो जाएगा, मतलब स्क्वायर लैटिस के लिए स्क्वायर था, क्यूबिक के लिए मतलब कि अपना ये सिंपल क्यूबिक के लिए ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया इसकी साइड पाई बाय ए होगी, तो सिंपल क्यूबिक के लिए फर्स्ट बिलियन जोन क्या होगा, एक क्यूब होगा जिसकी साइड ऑफ साइड पाई बाय ए, ऑफ साइड पाई बाय ए। सेकेंड बिलियन जोन कैसा अचीव करोगे भाई मेरे, सेकेंड बिलियन जोन क्या हो जाएगा, आपको एक प्रिज्म रखना है उसके क्यूब पर, उसके एक फेस पर। देखो ये क्यूब था जिसकी साइड पाई बाय ए थी, ये फर्स्ट बिलियन जोन है फॉर सिंपल क्यूबिक। सेकेंड ब्रिलियन जोन आपको निकालना है, तो आपने एक प्रिज्म रख दिया चारों फेस पे, एक प्रिज्म ये रख दिया, एक प्रिज्म ये रख दिया, एक प्रिज्म रख दिया, एक प्रिज्म ये रख दिया। सो आपको बेसिकली क्या करना है, प्लेस करना है प्रिज्म ऑन ईच फेस। ऐसे ही आप थर्ड करोगे तो अगेन प्रिज्म ऐड करते चले जाओगे एंड सो ऑन। क्लियर, तो आप कुछ इस तरीके से, मतलब कि इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से आप मैथमेटिकली बिलियन जोन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे के एक्स ले लो, वाई एक्सिस पे के वाई ले लो, अगर जेड एक्सिस है तो के जेड ले लो। मतलब कि बिलियन जोन किस स्पेस में ड्रॉ करे जाते हैं, के स्पेस में ड्रॉ करे जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, उसी तरीके से अब देखो, मैंने तुम्हें स्क्वायर लैटिस का और सिंपल क्यूबिक का थोड़ा समझाया, एफ सी सी और बी सी सी का भी ड्रॉ करा जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ बी सी सी के लिए, तो इसका जो फर्स्ट बिलियन जोन होता है उसकी शेप आती है रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन। क्लियर, बहुत ही खतरनाक सी एक शेप होती है, 12 यहाँ पर प्लेन्स बनते हैं, 12 वेक्टर बनते हैं, वो मिलके एक ऐसी शेप बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ एफ सी सी की, एफ सी सी का फर्स्ट बिलियन जोन जो आता है वो निकल कर आता है ट्रंकेटेड, उसकी शेप निकल कर आती है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार बिलियन जोन में। अभी तो हमने बस इतना समझा कि बिलियन जोन क्या होते हैं, उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और एक इक्वेशन उसे मैथमेटिकली हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर लैटिस का मैंने तुम्हें करके बताया, सिंपल क्यूबिक का थोड़ा इमेजिनेशन आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, वो भी समझ में आ जाएगा। बट हाँ, एफ सी सी बी सी सी का मैंने बस नाम दिए हैं, इनको बताया नहीं कैसे करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्लियर, सो आई होप आपको ब्रिलियन जोन का फंडा समझ में आया हो। इस वीडियो में हमने बात करी ब्रिलियन जोन के बारे में। क्लियर, सो थैंक यू सो मच।